ये देखिए आज हमने बनाई है एग ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बना है और इसे बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। तो उसे बनाने के लिए हमने लिया है 3 अंडे, हमने लिया है पोटैटो चिप्स, आप किसी भी फ्लेवर का यूज कर सकते हैं। हमने लिया है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई टमाटर, कटी हुई बीन्स, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, कटी हुई हरी मिर्च और हमने लिया है कटी हुई बंद गोभी और बारीक कटी हुई प्याज। बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, अब हम इसमें अंडे को तोड़ लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने लिया एक पैन और हमने गैस ऑन कर लिया है और गैस की फ्लेम लो है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल और हम तेल को गर्म होने देंगे। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा और अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो चिप्स, हमें इसे हल्का हल्का क्रश कर लेना है। ऐड करेंगे कटी हुई प्याज और हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बंद गोभी और हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई बीन्स, कटी हुई शिमला मिर्च, कटी हुई धनिया पत्ती और कटी हुई टमाटर। अब हम इसे एक साइड से पकने देंगे लो फ्लेम पर। देखिए ये एक साइड से हल्का पक चुका है, अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है, ये बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।